शाहबाद महल, कहते हैं ये तो भ्रष्टाचारियों का टोला है, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी जगह पे आकर ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और जिस भ्रष्टाचारी के जिसके आरोप लगते थे उनको वहीं से उम्मीदवार बनाते हैं। प्रधानमंत्री मंडी की सभा में, अनाज मंडी की सभा, कहते हैं कि ये तो कोयला चोर है, उनको टिकट देते हैं, जो बीजेपी में चला जाए तो कोई नूर हो जाता है, और दूसरी जगह रहे तो उनको चोर बताते हैं। पहले अपने गृहबान में झांकना चाहिए मुख्यमंत्री को। बोलते तो कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, कुमारी शैलजा भी लड़ने को मना कर रही है, इनको हार दिख रही है अपने, इसलिए नहीं उम्मीदवार घोषित हो पा रहे। उनको कोई इंतजार करो, तुम तो बदलन की बात करो, जब तुम्हारे आवेंगे ना खाली बदलन बदलन देने काम चलेगा, बाकी जाओगे लोग। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और उसी की तैयारी के सिलसिले में आज की मीटिंग बुलाई गई थी, और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो ये देख के लगता है कि हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जो लोग 400 पार का नारा देते थे, आज उनकी ऐसी हालत हो गई है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, बाहर से कैंडिडेट लेकर आज उनको ज़बरदस्ती उतारा जा रहा है। और इसलिए लोग, क्योंकि ये जो सरकार थी ये केवल ढकोसलाबाजी की सरकार रही, आज लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो ये देश का संविधान ही नहीं बचेगा, देश का प्रजातंत्र नहीं बचेगा। तो आज का जो चुनाव है देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से इस देश का हर नागरिक इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देगा।